बच्चों आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज है ये 2.2 इसका है क्वेश्चन नंबर वन। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम इसका कर रहे हैं सेकंड और थर्ड पार्ट। तो करना क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। मैंने आपको कल भी कहा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं ऐसे पॉलीनोमियल को जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। मैंने आपको कहा पॉलीनोमियल्स के टाइप्स होते हैं डिग्री के हिसाब से, लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल, जिसकी डिग्री 1 लीनियर, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 क्यूबिक। यहां से ये जितने भी इसमें पार्ट्स होंगे वो सारे क्वाड्रेटिक होंगे, क्योंकि सवाल माई से कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हमें इसके जीरोस को फाइंड करना है। जीरोस मैंने आपको बच्चों का भी कहा था, जीरोस हो गए ऐसा वैल्यू आप x का यहां पे s का निकालो, इस सारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का वैल्यू जो है जीरो होगा जब इसको पुट करूंगा, या ये जो पॉलीनोमियल ये x पे है, मुझे x का ऐसा वैल्यू, ऐसे वैल्यूज फाइंड करने हैं जिनको मैं पुट करके इस पूरे एक्सप्रेशन के का वैल्यू जो है वो जीरो आएगा, उसी को कहते हैं हम जीरोस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, वही मुझे फाइंड करना है। उसके लिए मैंने आपको बच्चों का बोला था मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। चलिए पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं, 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हमें मेक श्योर करना होता है कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट, कि सो ये गिवन एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो ये छ स्टैंडर्ड फॉर्म में मुमकिन की है, हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ax² + bx + c, ये इस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि पहले जिसका स्क्वायर होगा फिर खाली x फिर कांस्टेंट होगा इस फॉर्म में। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से इसी फॉर्म में, पहले स्क्वायर वाला फिर जिसकी डिग्री 1 है फिर कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको हमें ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप सेकंड पार्ट की तरफ देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसी तरीके से चलिए हम अभी ये डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको कल भी बोला था इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज हम इसको कैसे करेंगे, हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसके तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करते हैं, जो s² का कोएफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करो, जरा यहां करो 4 × 1 कितना हो गया 4, ऐसे दो नंबर्स को आप ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 आएगी और लास्ट की निशानी क्या है, प्लस, प्लस करके आना चाहिए 2, बताओ कौन से दो नंबर है, 2 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
फोर दो चार। नहीं हमें उनका सॉरी सॉरी उनका प्लस करके माइनस फोर आना चाहिए, उनका प्लस करके माइनस फोर आना चाहिए। तो मैं इसको भी रखूंगा माइनस, इसको भी माइनस। अब देखो टू टू जार माइनस माइनस प्लस, आगे शर्त बराबर। अब माइनस टू और माइनस टू हो गया माइनस फोर। अब मैं करूंगा काम, फोर एस स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा, इस फोर एस के बदले माइनस टू एस और माइनस, देखिए ना जब दोनों को माइनस होता है तो मैथ कहता है इसको प्लस करो, माइनस टू एस हो गया माइनस फोर एस, प्लस वन अपना। ये दो जो मैंने है ना ये बीच वाली टर्म के बदले लिखी, लेकिन अब क्रॉस चेक करो कि वापस आ रहा है कि नहीं, माइनस टू एस हो गया माइनस फोर एस। अब ये दो पेयर बन गए, एक पेयर एक पेयर, इसमें आप कॉमन लिखाओ, यहाँ पर भी एस है यहाँ पर भी एस है, और यहाँ पे टू है, टू जो है फोर का फैक्टर भी है, टू एस बाहर आ जाएगा, टू एस विल कम आउट, अंदर से क्या रहेगा टू एस रहेगा ना। देखो फिर से टू टू आर फोर एस 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 स्क्वायर माइनस टू एस पूरा बाहर आ गया, अंदर रहेगा फिर वन आ गया कॉमन, मल्टीप्लाई करके फिर से वापस यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, जब वन और टू का कॉमन जो है वो वन, अंदर रहेगा टू एस माइनस वन, इसकी साइन क्या रखेंगे माइनस। देखो क्यों टू वन जार टू हो गया माइनस टू एस माइनस माइनस प्लस वन वन जार वन, ये दो आगे सेम, ये दो आगे सेम, जब ये सेम आएंगे तो समझ लेना चाहिए कि मेरे मेरे जो फैक्टर्स है वो सही निकल रहे हैं। टू एस माइनस वन टू एस माइनस वन, इनके बदले एक ही लिखो टू एस माइनस वन टू एस माइनस वन, और क्या बच गया टू एस माइनस वन। क्लियर चेक सर, अब करो काम, ये इसके फैक्टर्स निकल गए, यहां पर आप चेक कर सकते हो, आप इस टू एस से इसको जरा करो, फिर माइनस वन से इसको जरा करो, आपकी फिर से आपका आपकी जो ये है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो वापस आ जाएगी। इसका मतलब है ये निकले मुझे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। अब मैं करूंगा काम, मुझे इस पॉलीनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है, मैं इस टर्म को भी रखूंगा जीरो के बराबर, इस वाली टर्म को भी जीरो के बराबर। मैं यहां पे करूंगा काम, मैं लिखूंगा 2s - 1 = 0, इधर से लाइन भी मैं डाल सकता हूं 2s - 1 = आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे इसके जीरोस को फाइंड करना है। अब मुझे 2s को फाइंड करना है, वो रहेगा माइनस पे 1 चला जाएगा उधर हो जाएगा प्लस 1, जीरो को भी लिखो जीरो प्लस 1 फिर से 1, इसलिए मैंने जीरो नहीं लिखा। अब s को माइनस पे रखेंगे 1,
जो इनटू है वो चला जाता है डिवाइड 1 बाय 2 a 0 मुझे इस एक्सप्रेशन का निकल गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का निकल गया। अब मैं यहां पे करता हूं 2s वहीं पे रहेगा -1 ये उधर चला जाएगा तो प्लस 1 ठीक है ना 0 प्लस 1 ये डायरेक्ट बार लिखो तो कोई इशू नहीं है। s निकलेगा बराबर 1 जो इनटू है वो चला जाएगा बट तो इसको दोनों जीरोस जो है वो निकल गए। मैं लिखूंगा डियर कोड जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्या क्या है 1/2, 1/2 ये इसके जीरोस निकल गए। आप यहां पर चेक भी कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है। आप s स्क्वायर की जगह 1/2 लिख दो, यहां पे भी 1/2 पुट करो, इसको सॉल्व करो, ये जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ गए तो इसका आंसर गलत है। तो ठीक है, अब हम करते हैं काम। सवाल आगे कहता है, मैंने इसके जीरोस को फाइंड किया। आगे सवाल कहता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब इसकी रिलेशन देखो, यानी कि जो मुझे जीरोस निकल गए इसकी रिलेशन देखो इसके कोएफिशिएंट्स के साथ। देखो हम यहां से मैं आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट करूंगा। वेरिफिकेशन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, एक बार गिवन पॉलीनोमियल को एक बार लिख लो फिर से। क्या है अभी मत लिखो, 4s² - 4s + 1 ये मुझे गिवन पॉलीनोमियल है, इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, कंपेयर इट विद ax² + bx + c। मैंने इसको कंपेयर किया है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के साथ। मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का वो ये होता है, मैं जो देकर गिवन एक्सप्रेशन है इसको इससे करता हूं कंपेयर। यहां पर है x², यहां पर है s², ठीक है ना। तो यहां पर है a, यहां पर है 4, तो मेरा a जो है वो है 4, ठीक है ना। यहां पर b है, यहां पर है इसके बाद -4, और c जो है कांस्टेंट टर्म यहां पर है 1। निकाल के रखा मैंने ए बी सी, और जो स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, इसमें ए बी सी होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। अब आप एक काम करो, अब हम करेंगे इसका ये सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला। मैंने क्या बोला था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है, -b/a। अब हम देखेंगे मुझे जो जीरो निकल गए वो क्या निकल गया, 1 + 2 + 1/2 ये मुझे दो जीरो निकल गए। मैं एक साइड से करूंगा अपने जीरोस को सम और दूसरे साइड से निकालूंगा फार्मूला के जरिए, ये दोनों अगर बराबर आ गए तो मेरा आंसर ठीक है। और गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि मुझे दो जीरोस निकल गए 1/2 और 1/2, मैं इनको ऐड करता हूं और दूसरे साइड से मैं करता हूं फार्मूला के जरिए निकालता हूं सम। अगर ये दोनों इक्वल निकल गए तो इसका मतलब माय आंसर इज करेक्ट। अच्छा इजी पढ़ लो, -b कितना है मैंने निकाल लिया, लेकिन दो माइनस आएंगे, ए के 4 को अपना और दूसरा है फार्मूला डिवाइड बाय ए कितना है 4। गुड, अब इसको सॉल्व करो, यहां पर क्रॉस भी कर सकते हैं लेकिन जब दो तुम डिनोमिनेटर में है तो 2 के बाद 2 के बदले एक ही 2 ऊपर 1 + 1 इज इक्वल टू -(-) 4/4। शाबाश, यहां पे 1 और 1 2 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4 2 1s आर 2 2 1s आर 2 1 डिवाइड बाय 1 हो गया 1 इज इक्वल टू 4 1s आर 4 4 1s आर 4 1 इज इक्वल टू 1। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। एक वेरिफिकेशन मुझे हो गई, हेंस वेरीफाइड, यानी कि कोएफिशिएंट्स की रिलेशन ये हो गए कोएफिशिएंट्स और ये मेरा सम ऑफ जीरोस ये मुझे इक्वलिटी में आ गई, ठीक है ना। वही मुझे चेक करना था एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, वो मुझे बराबर आ गया। मैंने अपने लिहाज से सम किया जो मैंने खुद जीरोस निकाले और दूसरे साइड से मैंने फार्मूला के जरिए से सम निकाला, वो मुझे इक्वल आ गया। अब मैं निकालूंगा दूसरे तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा यहां से मैं करूंगा, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फार्मूला है c/a, यानी कि अल्फा * बीटा, इसको लिखो, एक रूट होता है अल्फा दूसरा होता है बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मेरे जीरोस क्या क्या निकल गए, 1/2 1/2 हो गया 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू c मेरा है यहां से 1/a कितना है 4। वेरी गुड, जब इनटू होता है बीच में तो न्यूमरेटर को होता है न्यूमरेटर के साथ जरा डिनोमिनेटर को होता है डिनोमिनेटर, यहां से क्रॉस नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तब जब प्लस माइनस और इज इक्वल टू बीच में होता है।
1 1 divided by 2 2 4 1 by 4 is equal to 1 divided by 4. यहाँ पे भी निकला मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि तो मैं लिखूंगा हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड. तो यहां पर भी मैंने कोएफिशिएंट्स को और जीरोस के रिलेशन को प्रूव करके दिया. ये जो मुझे कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट था वो 1 डिवाइडेड बाय 4 निकला, और जो मैंने फार्मूला के जरिए से इनका प्रोडक्ट निकाला वो भी निकला मुझे 1 डिवाइडेड बाय 4. तो कोएफिशिएंट्स की रिलेशन और इसकी रिलेशन जो है वो मुझे इक्वल निकला दोनों जगह पे. यहां पे भी ये इक्वल निकले और यहां पर भी ये इक्वल निकले. यू गो क्लियर?